यहाँ पे थोड़ा प्रैंक हो रहा है। जैसे ही कटरा नजदीक आ रहा है तो रियो की आंखें बंद होती जा रही हैं और ये सोने की तैयारी में है। तो इसके साथ यही दिक्कत है। तो भाई हमने तो अपना प्लान बना लिया और वो क्या है आगे का हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। तो हमने सबसे पहले ली है गाड़ी को पार करने के लिए टिकट, ये है 115 यानी कि 115 रुपए की है। अगर आप भी आओगे अपनी गाड़ी लेके तो आपको ऐसे 115 रुपए देना पड़ेगा। और बाकी रियो आप उसकी क्षण के लिए स्विच ऑफ होने वाला है, रियो पूरा स्विच ऑफ होने वाला है, फिर उसको 2 घंटे से पहले तो उठने से ना। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा माता का धाम। वो दोस्तों यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं गुरु नानक पार्किंग, हमको बताया गया, हमने उसकी पेमेंट कर दी है, बट कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं हम। तो आइए दिखाते हैं हम आपको भी। देखो यहाँ पे कहाँ है गुरु नानक पार्किंग, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अब देखो यहाँ पे कहाँ है गुरु नानक पार्किंग, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दोस्तों हम यहाँ पे पार्किंग के लिए परेशान हो रहे हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क होगी। अब कहाँ पे लगाते हैं हम, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएं, यहीं पे लगवा लेते हैं। तो कहाँ पे लगवा रही है, यहाँ पे लगवा सकते, क्योंकि यहाँ पे ना किसी की गाड़ी आएगी ना जाएगी, क्योंकि टीन है वहाँ। पार्क कर लिया यहाँ पे, अब हम सामान लेके निकलेंगे और उसके बाद चलेंगे माता के धाम बैठ के। ओके जय। तो बस हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी, अब यात्रा शुरू करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। फ्रेंड्स से बोलो जय माता दी। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने जय माता दी बंधवा लिया है ये रिबन, और अब ये रियो सोए सोए में बंधवाए। चलो तो चलते हैं आगे की तरफ, स्टार्टिंग वहीं से। तो फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग में ये बांध दिया गया, हमने सोचा ऐसे बंध रहा पर नहीं है, 10 रुपए एक है। एंट्री के लिए माता के दरबार की, तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, फिर मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँ। तो दोस्तों हमने तो अपना ये कार्ड ले लिया है पास, यहाँ नहीं करना। तो दोस्तों मैंने तो अपना आई कार्ड ले लिया, वो मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे ऊपर, तब नीचे आके बनाइए। तो ये मिला हमें, ऐसे दिखाओ ना ये वाला। तो फ्रेंड्स ये बन गया मेरा आई कार्ड, वैष्णो देवी का रियो। रियो इधर देखो, रियो का नहीं बनाया क्योंकि रियो बहुत छोटा है, उन्होंने कहा छोटे बच्चे का नहीं बता दे। रियो की चन्नी देखो, रियो अभी चन्नी में। जय माता की बोल दो, जय माता की, जय माता की। चलो तो फिर चलते हैं और यात्रा शुरू करते हैं अपनी। जय माता दी।
सभी में से बाण गंगा पार किया था हमारे हाथ एकदम कितना चला मैं बहुत खड़ी खेलता हुआ रियो क्या कर रहे हो क्या तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीत पहाड़ी ब्लॉगर और हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम और यह बिल्कुल एंट्री है। हम पूरा 14 किलोमीटर चल के आए हैं। यहाँ पे ट्रॉलीज भी अवेलेबल है आधे लोग और ये ट्रॉली जा रही है। अभी मैं आगे से दिखा दूंगी आपको, आ जा। तो ये सारी लाइन ट्रॉली के सारी ए टू जेड पूरी और मंदिर है ऊपर और पैदल जाने की हिम्मत पर लग नहीं रही है। तो फाइनली लग रहा है कि ट्रॉली होगी पर जिस हालात की लाइन है ट्रॉली भी लग नहीं रहा कुछ। लाइन दिखाओ जरा कैमरा मैन इधर माँ आ गया माँ। सो फ्रेंड ये तीन रो अभी यहाँ पे और आधी लाइन यहाँ से लगी हुई है। ये भी लाइन है और ये सारी लाइन ट्रॉली की है। अब आप देख लो हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा।
सो फ्रेंड्स हो गए क्या? सो फ्रेंड्स ट्रॉली आ चुकी है और ये इधर से निकल रहा है और एक उधर से इसका, और जो ये आने वाली है और इधर से जाने वाली ट्रॉली है। तो जो टिकट है उसमें आने जाने दोनों का ही टिकट है, टिकट में आने जाने का दोनों का ही टिकट है। 100 रुपये में 100 रुपये में आपको जाना है, लेकिन इसमें लिमिट है कि 2 घंटे के लिए ही वो टिकट पहले था, 100 का टाइम लगा। आप देख लो इस तरह के पूरा खटोला, जो भी आप रोपे जो भी बोलते अपने लैंग्वेज में वो ये है। और ये टाइम में 30 से 35 लोग इसमें चले जा रहे हैं आराम से, है ना। अब ऊपर को जाएगी फिर देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स ये चल गई है, हो गई तैयार। ऐसे जाएंगे हम क्योंकि हम ज्यादा खाना दिखाने पाएंगे, अंदर से सीन दिखाएंगे। अभी आप देख लो हम देखते हैं, ये है सीन। और हमें इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि हमें पता ही चला हमें लाइन में आगे बढ़ना है। ये देखो हम मुंह के आगे से देखो, तो पतले पतले बच्चे होंगे ना, छोटे मोटे बच्चे बच्चे। दोस्तों हमारे हो गए हैं दर्शन, भैरव देवता के मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग एंड करने से पहले आपको एक चीज दिखाई जाए। अगर आप यहाँ पे नहीं चल सकते हैं बिल्कुल और हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, तो यहाँ पे हेलीपैड भी है। यहाँ पे हेलीपैड से आपको एरोप्लेन वो हेलीकॉप्टर रिसीव करेगा, उसके बाद ये यहाँ से आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। और यहाँ पे शायद यहीं से लेता है यहीं छोड़ता है ऐसा कुछ, है ना। तो चार्जेस वगैरह तो हमने नहीं पूछे क्योंकि हम तो ट्रॉली रोपे से आए। बाकी यहाँ का सफर बहुत अच्छा रहा, हमें काफी अच्छा लगा यहाँ का सफर, हमें काफी अच्छा लगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, यहाँ पे बहुत ही जितने भी आपके श्रद्धालु श्रद्धालु जितने होते हैं उनके इतना ज्यादा रस है, इतना ज्यादा रस है, मतलब बहुत मजा आया। लेकिन बस ये है कि आपके पैर जरूर टूट जाएंगे क्योंकि हमें खुद 4 से 5 घंटे लगे हैं यहाँ पे आने के लिए। और हम क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी हम वो परेशान कर रहा था, उसको रोक रोक के हमको करना है। लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। और वैष्णो देवी की यात्रा कैसे होती है अगर आप अपने साथ वालों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बने रहिए तब तक मेरे साथ ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम साथ को वो सांचे दरबार की जय। चलो अब हम जा रहे हैं।